हेलो गाइस, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में फिर से खेल रहे हैं ब्लॉक्स फ्रूट और आज है एपिसोड नंबर 118। और इस वाले एपिसोड में मैं तुमको लेके दिखाने वाला हूँ शार्क एंकर, जो कि भाई काफ़ी टॉप की एक्सेसरी है और आई थिंक मेरी लास्ट की एक्सेसरी जो बची हुई थी वही यही बची है। और टॉप का मैंने फ्रूट ले लिया, सेंगोल आर्ट ले लिया, मैंने शिप राइड भी ले लिया आई थिंक, और अभी मेरे पास बस शार्क एंकर की कमी थी तो मैं शार्क एंकर लेने वाला हूँ। इस यहाँ पे मैं हूँ अभी थर्ड सी में और अभी सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा मेन अपने आइलैंड पे, मतलब टिकी जाना पड़ेगा बेसिकली आउटलुक बताऊँ तो। और एक और चीज़ मैं सोच रहा था कि जैसे अभी 118 एपिसोड्स अभी हुए हैं तो यार मेरे को लग नहीं रहा कि 200 एपिसोड्स इसके कंप्लीट हो पाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूँ बेसिकली। अब कुछ खास इसमें रह नहीं गया है, अगर कुछ आइडियाज़ हैं तो बता दो, क्योंकि मुझे तो खास नज़र आ नहीं रहे कुछ करने के लिए, क्योंकि अपन लोग टॉप पर पहुँच चुके हैं और एक दो या चार आई थिंक 5-10 वीडियोस बन जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स। उसके अलावा मुझे कुछ खास इसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो अपन लोग या तो फिर से कुछ कर सकते हैं ब्लॉक्स फ्रूट के रिगार्डिंग, या फिर कुछ बता दो मतलब कुछ मज़ा आया। लेकिन हालांकि मैं इतनी ग्राइंडिंग फिर से करना नहीं चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसमें तो, लेकिन कुछ बताओ जिसमें मज़ा आया हमें। एक तो और गेम थी वन पीस गेम टाइप की, वो खेलते हैं, उसमें उतना मज़ा नहीं आया जितना इसमें आया मेरे को, लेकिन अपन को कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टिकी पहुँच चुका हूँ स्पीड बोस्ट से, जो तुमने देख ली होगी, और यहाँ पे अभी मैं इसको क्राफ्ट करूँगा बेसिकली चीज़ें, और उसके लिए तुम्हें टेरर शार्क्स मारनी पड़ती हैं बहुत सारी। तो यहाँ पे तुमने जस्ट देखा अभी मेरे को मतलब बनानी थी नेकलेस और एक और चीज़ बनानी है, तो जस्ट ये देखो एक नेकलेस है और दूसरा ये स्टील वाला कुछ है भाई दाढ़ी, तो ये मैंने दो चीज़ें बना ली हैं और अभी इनको मेरे को कंबाइन कर मैं बनाने वाला हूँ मॉन्स्टर मैग्नेट। तो जस्ट अभी देखते हैं कितने मेरे पे मटेरियल बचा है, जस्ट क्राफ्ट करते हैं थोड़ा बहुत। और एक और चीज़ है जो मैं तुम्हें आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगा, तो जस्ट बने रहना वीडियो में। तो यहाँ पे आई थिंक मेरे पे सफिशेंट बचा है, नहीं सफिशेंट नहीं है यार, मतलब मेरे पे अभी काफ़ी कम पड़ रहा है चीज़ें, तो अपने को हंटिंग पे जाना पड़ेगा वापस से शार्क हंटिंग पे। तो यहाँ पे टेरर शार्क भी चल जाएगी और नॉर्मल शार्क भी चल जाएगी, तो दोनों चल जाती हैं, तो इसलिए अभी यहाँ पे एक सी बीस्ट बचा है, इसको भी किल कर देते फटाफट। तो यहाँ पे मैं तुम्हें किल कर चुका हूँ फटाफट, मैं वो सीन कट कर दिया जस्ट क्योंकि तुम्हारा टाइम बचा रहा था मैं। तो यहाँ पे नीचे एक शिप राइट रहता है, तो इससे जस्ट बात करते हैं हम लोग। इस यहाँ पे शिप राइट के पास हमें जाना पड़ेगा मिशन लेने, और यहाँ पे ये मिशन मुझे देगा 20 शार्क्स को मारने का, अगर मैं उसको मार देता हूँ मतलब जो कि मैं मारने वाला हूँ, तो उसके बाद में मुझे बेसिकली यहाँ पे शिप राइट बनाने की मतलब पोस्ट दे देगा, तो उससे मैं शिप रिपेयर कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है, जैसे लिवाइथम हंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि तुम्हारी शिप काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है, तो उसके लिए तुम्हें रिपेयर, अगर तुम्हारे टीम में 2-3 शिप राइट है तो काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि नहीं तो टेरर शार्क काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर जाती है बेसिकली। लिवाय तो नहीं करता इतना डैमेज, लेकिन टेरर काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर जाती है, तो उसके लिए भाई यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्किल है जो कि आनी चाहिए भाई। तो यहाँ पे मैं अभी एक बार ड्रैगन टेलन सेज के पास आया हूँ, तो ये बेसिकली स्क्रोल और एनचांटमेंट करने के लिए देता है, तो मतलब एनहेंसमेंट करने के लिए देता है, तो जस्ट ये तो एनचांट ही है भाई, मैं एनहेंस फालतू में बोल रहा था। तो भाई ये एनहेंस मतलब एनचांट करने के लिए देता है तुम्हें चीज़ें, और यहाँ पे मैंने एक लेजेंडरी स्क्रोल लिया है, तो जस्ट देखते हैं क्या है इस स्क्रोल में, थोड़ा खोल के देखते हैं। और फटाफट खोल के इसने दिखा दिया, और यहाँ पे आई थिंक कुछ खास मुझे लग नहीं रहा, तो जस्ट यहाँ पे सिंपल सा बेसिक स्क्रोल है, मैंने कर्स डोल कटाना इसके लिए है यूज़ किया, तो इसको क्लोज कर देते हैं, मुझे कुछ खास लग नहीं रहा भाई, चलो चलते हैं यहाँ से। इस यहाँ पे मैं 20 शार्क्स मार चुका हूँ और सारा अपना जो भी है क्वेस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, तो जस्ट देखते हैं यहाँ पे क्या मेरे को देता है ये। तो यहाँ पे ये मुझे शिप राइड बना चुका है और प्लैंक स्क्रेंजर और ब्लू प्रिंट स्पेशलिस्ट, तो यहाँ पे मैंने थर्ड लेवल अभी एक्वायर किया है और यहाँ पे मैं काफ़ी तगड़ा ऑलरेडी हो चुका हूँ। लेकिन यार अभी भी शार्क एंकर मेरे पास नहीं है, तो शार्क एंकर के लिए अपन लोग ट्राई करते हैं, उसके लिए कुछ यहाँ पे मटेरियल लेस रह गया था, उसको लेने चलते हैं। जस्ट यहाँ पे ये है कुछ सफ़ेद ब्लू बालों वाला है, इससे हम लोग बात करके देखते हैं। तो जस्ट अभी मेरे पास वो पड़ा था मॉन्स्टर मैग्नेट पड़ा था, तो अभी हम लोग देखते हैं क्या बचा था हमारे पास। और मॉन्स्टर मैग्नेट जैसे ही मिल जाता है तो हमारे को एक न्यू क्वेस्ट दे देता है वो, और यहाँ पे मॉन्स्टर मैग्नेट तुम लोग देख सकते हो। और अब मेरे को जब भी मैं टेरर शार्क हंट पे जाऊँगा तो मेरे को ऑलरेडी वो शार्क मिल जाएगी, जिससे कि मुझे
शार्क एंकर मिल जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे मुझे वापस से हंटिंग पे जाना है, शार्क हंटिंग पे, टेरर लिवाई हंटिंग कह सकते हो तुम लोग एक तरह से, लिवाई पर आखिर वाला होता है, लेकिन मैं यहाँ पे शार्क हंटिंग पे ही जाऊँगा। तो चलो चलते हैं, जल्दी से शार्क हंटिंग करते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ अपने बॉयज़ साथ में रखे हैं, तो जिनके लिए मतलब एक ही बॉयस रखा है यार मैंने, मतलब काफ़ी कमी हो गई यार, एक है कि दो हैं एक ही है भाई। तो एक बॉयज़ है हमारे पास जो कि इनफ है आई थिंक, इतना हम एक शार्क ही हंट करनी है। वैसे मेरे पे किट्सू ने और सामने वाले के पास क्या है मुझे आई डोंट नो। तो लेट्स सी, यहाँ पे शिप रेड हुई थी। मैं भाई मैं सब कुछ मतलब निगलेक्ट कर देता हूँ, जो भी बीच में चीज़ें आती हैं मैं बस अपने काम पे फोकस रखता हूँ, जैसे मुझे मिशन होता है वही करता हूँ। तो यहाँ पे आई थिंक आ गई हैं शार्क्स। तो चलो भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत यार मेरा यहाँ पे लैग हो रहा था, लेकिन भाई मेरे पे ये मतलब एक लौती रिकॉर्डिंग थी, तो मैंने सोचा भाई इसको कैसे भी करके बचानी है रिकॉर्डिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे भाई जैसी तैसी एडिट कर दी। हालांकि मुझे लग रहा है कि इतनी बेकार नहीं है एडिट, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं टेरर शार्क से लड़ रहा हूँ भाई, और टेरर शार्क काफ़ी अच्छा डैमेज करती भाई, बाय द वे मतलब कभी कभी मतलब कुत्ता मचा देती जब आती है भाई। तो यहाँ पे मेरे अभी काफ़ी कम डैमेज हुआ है, तो मैं किसुने का जितना हो सके उतना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको डैमेज कर देता हूँ आगे से जाके, क्योंकि जैसे मैं मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा डैमेज तो ये होता है कि तुम लगातार वहाँ पे स्पैमिंग कर दो तो वो ज़्यादा अच्छा डैमेज देता है। लेकिन अगर तुम लोग मतलब बच के भाग के भी अटैक कर रहे हैं तो कर सकते हो, लेकिन इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा रहती है भाई अकेले बंदे के लिए, थोड़ा सा मतलब वन है काफ़ी जॉब हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इधर उधर भागते रहना पड़ता है और साथ में मतलब डैमेज करते रहो, थोड़ी हेल्थ रिकवर होने का वेट करो और फिर से अटैक करो बूम, तो बस तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसने शार्क ने मेरा पीछा किया भाई, तुमने देखा मैं भाग रहा था लेकिन इसने भी मेरा पीछा किया, और अगर मेरे पे कोई और फ्रूट होता तो आई थिंक वो मेरा पीछा पड़ के मतलब क्या करती तुम सोच सकते हो। तो बेसिकली अभी मैं नाइन टेल फॉक्स बन चुका हूँ, और अभी मैं बेसिकली वेट कर रहा हूँ कि मेरी हेल्थ कब रिपेयर हो, और यहाँ पे मेरी हो गई है हेल्थ रिपेयर, और अब मैं बच के भागने वाला हूँ नहीं, अब मैं इसको धोबी पछाड़ दूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसको धोया थोड़ा बहुत, और अभी भी यार इसकी 30% से ज़्यादा HP बची है यार, मतलब बेसिकली अब 30 ही बची होगी, तो इसे थोड़ा बहुत धोना पड़ेगा और साथ में हेल्थ भी रिकवर करनी है, क्योंकि अगर मेरा किल हो गया यहाँ पे तो मेरे को फिर से आना पड़ेगा इस हंटिंग के लिए, और अगला बंदा रेडी होना चाहिए। ये भी मतलब होता है भाई, कई बार क्या होता है सामने वाले को भी काम पड़ जाता है। तो यहाँ पे फाइनली गाइस यहाँ पे मैंने ले लिया है अपना मतलब अभी शार्क एंकर तो नहीं लिया, फाइनली ड्रॉप हो चुका है शार्क एंकर, क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइनली शार्क को किल कर दिया है और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। पेड्रो पेड्रो पेड्रो। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मैंने शार्क एंकर ले लिया, अब जाके देख के आते हैं मतलब थोड़ा मतलब 3D अंदाज में देखते हैं कैसा दिख रहा है शार्क एंकर हमारा। तो थोड़ा भाई यहाँ पे खुश तो हैं ही हम, और यहाँ पे सामने वाले को उम्मीद है मिल गया होगा, तो चलो जाके देखते हैं एक बार शार्क एंकर को 3D वर्जन में। तो यहाँ पे भाई थोड़ा सा लैग हो गया है, मतलब संभाल नहीं पाया लगता है मेरी इतनी सारी चीज़ें ये लोग। तो यहाँ पे मेरे पे भाई स्पाइकी ट्राइडेंट भी आ चुका है बाय द वे, लेकिन उसकी भाई क्लिप नहीं है यार मेरे पे, चलो कोई बात नहीं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे देखो गाइस खुश हैं हम लोग, और फाइनली गाइस वीडियो में बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, और अपने सजेशन जरूर से बताना कि भाई हम लोग ब्लॉक फ्रूट में और क्या कर सकते हैं चीज़ें बाउंटी हंटिंग के अलावा, क्योंकि भाई बाउंटी हंटिंग मेरे को पसंद नहीं है, और भाई मैं उतने तगड़े लेवल का नहीं हूँ भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत ले लेता है बाउंटी हंटिंग थोड़ा सा। तो उसके अलावा तुम लोग काम एंड कंपोजर चीज़ें बता सकते हो मुझे थोड़ा बहुत। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस, थैंक यू।